नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के सबसे खास प्रोग्राम शख्सियत के। आप जानते हैं कि हर सप्ताह हम आपको शख्सियत में एक नए चेहरे से रूबरू करवाते हैं। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष। संतोष यादव जी भारत गौरव अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। संतोष यादव जी को जनजीवन और युवाओं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी जाने जाते हैं। तो आइए अब आज उनसे हम जानते हैं कि उनकी जो राजनीतिक सफर है कब और कैसे शुरू किए, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। संतोष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे खास प्रोग्राम शख्सियत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी प्राइम टीवी के जो आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं शख्सियत। वाकई एक बहुत ही नयाब और बहुत ही बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं, नई नई प्रतिभाओं और योग्यताओं को ला करके और एक नए दिशा दे करके उनको समाज में जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिलता है उनको एक अवसर दे रहे हैं और उनको प्रतिभाग करा करके जनता के सामने उनकी बात को रख रहे हैं। इसके लिए मैं प्राइम टाइम को, प्राइम टीवी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। संतोष जी, आप हमारे दर्शकों के अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है जब कोई आप अपने जीवन का बड़ा फैसला लेते हैं। करियर बहुत आसान नहीं होता है जिंदगी में। जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक लक्ष्य होता है, एक विजन होता है। हर आदमी कोई पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है, कोई राजनीति में जाना चाहता है, कोई सोशल वर्कर बनना चाहता है और कोई दूसरे देश में जा करके अपने भारत देश का गौरव बढ़ाना चाहता है। हम लोगों के लिए एक बड़ा अजीब माहौल था, एक बहुत छोटे से शहर, एक बहुत छोटे से कस्बे, एक बहुत छोटे से गांव से, कुशीनगर का वो जनपद जिसको बहोरापुर के नाम से जाना जाता है, उस गाँव से मेरी सफ़र शुरू हुई और हम लोग धीरे धीरे चलते चलते इस कारवां को बढ़ाते हुए हम लोग गाजियाबाद के प्रांगण में पहुंचे और गाजियाबाद से मेरी एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई प्रतिभा का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे अच्छे बुरे सभी लोगों का साथ मिला, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन हम लोगों ने जीवन में बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया और हम लोग आगे बढ़ते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे गौरव प्रतिभाग होता है और मैं देश के पटल पे भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया और मैंने एक जनहित में भारतीय जननायक पार्टी की स्थापना किया। जब मैं पार्टी की स्थापना किया तो तमाम दल, तमाम नेता, तमाम लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन हम लोग एक लड़ाई के तरफ अग्रसर हुए और हम अपने विजन को लेकर के एक क्लीन पॉलिटिक्स को लाना चाहते थे और लाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि राजनीति का मंत्र बदलेंगे, सरकार ही नहीं पूरा तंत्र बदलेंगे। इसलिए हम लोगों ने, हमने एक राजनीति का एक नया क्लीन पॉलिटिक्स लेके आया और मैं, यह गर्व हो रहा है कि आज लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जननायक पार्टी से जुड़े और हमारा संगठन आगे बढ़ा। हम लोग लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग किए, विधानसभा में प्रतिभाग किए और इसके साथ ही हमने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल किए जिसका PIL नंबर 7329/2019 है। वो एक ऐसी याचिका है कि अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। तो संतोष जी, आप कह रहे हैं कि एक छोटे गांव के तबके से आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये राजनीति का कैसे आपको दिमाग में और कब से आप ये राजनीति का सफर अपना शुरुआत किए हैं और क्यों किए, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, लोगों के हर एक आदमी का, मैंने कहा पहले भी, एक विजन होता है। हम लोग जब जिले में और तहसील पे जाते थे तो अन्याय को देखते थे। हर एक गरीब महिला, बुजुर्ग, बेबस, लाचार एक अधिकारी से गुहार लगाती थी, उसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उसको अगर कोई थाने का मामला है तो थाने में न्याय नहीं मिलता था। मैं कम से कम सौभाग्यशाली हूँ
कि हमने इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया और एक अभियान चलाया और उस अभियान का नाम हमने दिया कोई सताए तो हमें बताए। तो उस अभियान के अंतर्गत हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। फिर हर एक व्यक्ति यही कहता था कि यार कोई सताए हमें बताए, जो अभियान आप चला रहे हैं मुझे लगता है कोई राजनीति से प्रेरित है, आप किस दल से हैं, किस पार्टी से हैं। मेरा हमेशा यही सवाल रहता था और उत्तर रहता था कि साहब हम किसी दल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, हमारा एक नया विजन है, कॉन्सेप्ट है लोगों को एक अधिकार देना, और कोई भी सताया जा रहा है वो किसी भी मामले में है तो आकर के अपनी समस्या मुझे बता सकता है और अपनी समस्या से मुझे अवगत कराएगा, हम उसके समस्या के निदान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। हमने ये आंदोलन शुरू किया, इसके साथ एक कारवां बनता गया, धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो लोगों को यही बार बार ये मतलब एक लोगों के मन में भाव था कि किसी न किसी दल से है, तो अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, हमारे कोई सताए हमें बताया कि मित्रों ने कहा कि नहीं साहब अब हमको अब एक अलग दल बना लेना चाहिए, एक पार्टी बनाना चाहिए जिससे लोगों के मन का भ्रम दूर हो जाए, इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। सर आपने एक राइट टू प्रॉमिस एक जो मुहिम चलाए हैं सर, इसका उद्देश्य क्या है और सर कब ये शुरू किए, इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए हम लोगों ने 2019 में पार्टी का गठन किया, उसके ठीक बाद जो है हमने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। अब ऐसा है कि देखिए अब अभी तक कोई भी दल का नेता, मंत्री, सांसद या विधायक अब वादा करेगा तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो सर ये तो आप आरटीपीआई के जो एक कानून के तहत अपने एक बयान में बोले थे, लेकिन सर जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर राइट टू प्रॉमिस जो आप एक मुहिम चलाए थे सर, उसका क्या कहना सर, उसका किस उद्देश्य से आप इसको लॉन्च किए थे सर? देखिए हम लोग वही चाहते हैं, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पीआईएल किया उसको हमने माननीय निर्वाचन आयोग में भी हमने अपील किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये जितने भी वादे करते हैं या प्रॉमिसेस करते हैं उसको हर हाल में पूरा करें, अगर यदि पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये आरटीपीआई जो कानून है इसका ये मानना है? हाँ यही है राइट टू प्रॉमिस, वादे को पूरा कराने का कानूनी अधिकार। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में इसको कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिले और इसको चुनाव आयोग लागू करे। कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री या किसी के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से आप रिटर्निंग ऑफिसर को आप एफिडेविट देंगे कि हम उतने ही प्रॉमिस करेंगे जितने हम लोकतंत्र में या जनता से जो वादा करेंगे उसको पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हम वादे नहीं करेंगे। अगर वादा आपने किया तो उसको निभाना पड़ेगा हर हाल में, नहीं निभाएंगे तो उसकी सदस्यता रद्द होगी और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे रोक लगेगा। ऐसे कानून की हम चिंता करते हैं, ऐसे कानून की हम मांग करते हैं, उसके लिए हमारा मूवमेंट चल रहा है। तो आपने सरकार से अपील किया इसके बारे में? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील किया, मैंने उनको पत्र भी लिखा, गृह मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा, उनसे समय भी मांगा, किन्हीं कारणों से समय नहीं मिल पाया। मैंने भारत निर्वाचन आयोग में भी मैंने अपनी पत्रावली दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैंने दिया है कि हर एक राज्य इसको लागू करे, जनहित का है। अब कोई भी नेता जाकर के जिले में या क्षेत्र में वोट का प्रलोभन दे करके अब किसी भी जनता से झूठा वादा नहीं कर सकेगा, वो जाएगा तो कहेगा कि हम आपके यहाँ विद्यालय बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा, वो कहेगा आपके यहाँ शौचालय बनेगा तो बनेगा, आपको कहेगा रोजगार देंगे तो रोजगार देना पड़ेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं इसी के दायरे में क्लीन पॉलिटिक्स को जन्म दिया जाए। अब जाति पात से ऊपर उठ करके अब यादव की न तो सरकार, न दलित की सरकार, न ब्राह्मण की सरकार, न ठाकुर की सरकार, अब जनता की सरकार होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो योगी सरकार भी तो यही कह रही थी इसमें जात पात नहीं, हम जातिवाद नहीं, हम एक जो लाएंगे बिना जातिवाद वाला जो सरकार ला रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूं कि वो एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की बात होती तो मैं समझता हूं कि जिलों में जो चाहे पुलिस अधीक्षकों की तैनाती है, चाहे जिला अधिकारियों की तैनाती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भेदभाव नहीं होता, चाहे शासन स्तर पे, चाहे प्रदेश स्तर के किसी भी जिले स्तर पर या जिले से लेकर के तहसील स्तर पर सिर्फ जातिवाद का बोलबाला है।
और उससे जो है मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सरकार की बहुत अच्छी छवि जा रही है। सर आप जानते हैं, हम सभी सर जानते हैं कि 2 साल एक कोविड जो महामारी पूरी देश सर इसे जूझ रही थी, तो सर उस टाइम आप बता रहे हैं कि हम गरीब तबके के लोग जो हैं, जो कमजोर हैं, उनको हम सहायता करते, तो सर उस टाइम आप क्या आम जनता के लिए किए, उसके बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह से किए थे आप? हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस समय कोई रणनीति नहीं थी, उस समय हम लोग सब लोगों का एक था कि सेवा भाव करना, एक जितने भी गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते थे, मदद कर सकते थे। और मदद देखिए, हम लोग इतने बड़े पार्टी के रूप में अभी नहीं थे, लेकिन जितनी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थी उस तरह से हम लोगों ने किसी को जैसे बस कर दिए, किसी को राशन की उपलब्धता करा दी है। हमारी टीम गांव-गांव जा करके चौराहों पर हम लोग कैंप लगा करके गरीब बच्चों को दूध है, बिस्किट है, जो फल है, मिठाई है, जो हम लोग कर सकते थे। किसी का बहुत इमरजेंसी है, जो अपने घर पहुंचना चाहता है, प्रशासन सहयोग नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग दूरभाष से फोन करके प्रशासन से मदद मांगते थे, उसको प्रशासन से मदद दिलवाते थे, उसको सुरक्षित पहुंचवाते थे। ये सब हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत काम किया। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो बेरोजगार युवा हैं और जो गरीब, जो कमजोर, जिनकी सर मान लीजिए सरकार से सहायता उन पे नहीं पहुंच रही है, तो सर आप कह रहे हैं कि हम उनकी सहायता करते हैं, तो किस प्रकार से सहायता की है, कुछ बताएंगे क्या क्या अभी तक किए उनके लिए? देखिए, लोकतंत्र में यह एक अभिशाप की तरह हो चुका है जी। बेरोजगारी की व्यवस्था इतने चरम पे है जी, जी। मैं समझता हूँ कि आने वाला अगर युद्ध होगा जी, तो भारत में अगर होगा तो सिर्फ बेरोजगारी को लेकर होगा। इस पे ना तो किसी केंद्र सरकार का ध्यान है और ना ही प्रदेश सरकार का ध्यान है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इस पे सरकार को एक आइडियोलॉजी बनानी चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए, और नीति को लागू करना है तो उसकी योजना होनी चाहिए। सरकार के पास बेरोजगारी पे कोई मॉडल नहीं है। एक भी परीक्षा आप बता दीजिए, चाहे वो लेखपाल का परीक्षा हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे शिक्षा का हो, ये कभी भर्ती ऐसी नहीं है जो माननीय न्यायालय में जाने के बगैर हो जाए। हर एक पेपर जो है, परीक्षा का पेपर लीक होता है। ये सरकार का कैसा व्यवस्था है, कैसी सरकार चल रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आप कोई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है, उसका खामियाजा हमारा गरीब नौजवान साथी बेरोजगार युवा भुगतता है। अब आप बताइए कि जो युवा 1000 रुपये एग्जाम में जो है फीस देता है, उसके बाद आने जाने का फीस देता है, और किन्हीं कारणों से परीक्षा निरस्त हो जाता है, तो किन्हीं कारणों में कौन दोषी होता है? सरकार दोष होती है, क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक होना उस अभ्यर्थी का दोष नहीं है, उस बेरोजगार युवा का दोष नहीं है। ऐसे में हम भारतीय जननायक पार्टी से मांग करते हैं और आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी प्रमुखता से इस पे आवाज उठाइए बेरोजगारी पे, कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं, अगर वो परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम निरस्त होता है और सरकार की खामियों से निरस्त होता है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5000 रुपये सहायता राशि मिलना चाहिए, जिससे वो आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सके, क्योंकि उसका आने का, जाने का, रहने का और उसका आवेदन फीस में लगभग 5000 रुपये लगभग मिसलेनियस खर्चा हो सका होता है। ऐसी स्थिति में उसको 5000 रुपये युवाओं को सहायता राशि मिलना चाहिए। ये भारतीय जननायक पार्टी मांग करती है और हम इसके लिए सदैव तत्पर हैं, युवाओं की आवाज उठाने के लिए। सर आपसे आखिरी एक सवाल कि सर आपके प्रेरणा स्रोत कोई तो होगा सर, जो आप राजनीतिक में आए सर, क्यों है और कैसे है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा दर्द होता है जी। जब आप किसी रोजगार के तलाश में जाते हैं जी, तो नए नए लोग मिलते हैं, नए नई व्यवस्थाएं मिलती हैं। जब आप सड़क पे चलते हैं तो गरीबी की लाचारी को देखते हैं जी, तो सबसे बड़ा देखिए गुरु वो होता है आपका कर्म। हमने देखा, देखिए अभी राजनीतिक गुरु के तौर पे मैं किसी को कहूँ तो मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं है जी। मैं सिर्फ ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर मेरा गुरु है और जनता मेरी सपोर्टिंग में कह सकते हैं, जनता के आशीर्वाद ही मेरी प्रेरणा है। मैं उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा हूँ, कारोबार चल रहा है, ईश्वर मदद कर रहा है। जितना भी मैं न्याय दिलाने का काम कर सकूँ, जितनी भी लड़ाई लड़ने का काम कर सकूँ, मैं जनता हित में, युवा हित में, बेरोजगार हित में, किसान हित में मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठा। सर आप मीडिया जो है एक सशक्त माध्यम है सर, उसके सर हमारे प्राइम टीवी के सर तहत आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं सभी आपके दर्शकों से अपील करना चाहूंगा जी।
कि प्राइम टीवी एक अच्छा शो है, जो एक शख्सियत के तौर पे जो ये प्रोग्राम आपका चल रहा है उसको भी देखें, आपके चैनल को भी सपोर्ट करें। मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और युवाओं से भी अपील करूंगा, बेरोजगारों से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपने माध्यम से अपने बेरोजगारी के समस्या को इस प्राइम टीवी को भी लिखें, और मैं भी प्राइम टीवी से अनुरोध करूंगा, मैं भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करूंगा। और किसी भी प्रकार की भर्ती अगर उत्तर प्रदेश में निरस्त हुई है, उसकी आवाज उठाना है, तो आप कृपया प्राइम टीवी को लिखिए, हम लोग मिल करके आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और शासन से लेकर प्रशासन तक न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे संतोष यादव जी, जिनका कहना है कि हम गरीब तबके के लोग जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सरकार से अपील कर रहे हैं और बहुत सारे मुहिम भी निकाले हैं। तो इसी तरह अब हमारे देखना जाएगा कि संतोष यादव जी क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो हम सब देखेंगे। फिलहाल हमारे शख्सियत कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले सप्ताह हम फिर आपको एक नए चेहरे से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।